धर्म ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उसी के अनुसार यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इसे अजा एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 5 फरवरी को है। हर साल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब भी अधिक मास या मल मास आता है तो इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माघ मास शुक्ल एकादशी को किसकी पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या महत्व है। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ये बहुत ही पुण्यदायी हैं। इसका व्रत करने से व्यक्ति सभी नीच जोनियों अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की जोनियों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि जोनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा को एक कथा के रूप में सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उस गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती थी और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या मल्यान को देखकर उससे पर इतना विभोर हो गई कि वह उसका राग भी नहीं अच्छा से निकल पा रहा था। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उसके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझकर उसको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उसको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था तथा उसके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन सा पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच ज्योनी प्राप्त हुई है। इस पिशाच ज्योनी से तो नर्क कि दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में बैठे हुए थे। उस रात्रि को उसको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उसका पिशाच ज्योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता और उसकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप से
देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिचास चोनी से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिचास देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिचास जोनी छूट गई, वरन हम लोगों के भी बंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी जोनियाँ छूट कर जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। एकादशी का नियम 1 दिन पहले से ही करना पड़ता है। इसके लिए 1 दिन पहले शाम के समय रोटी और घी में तला हुआ सब्जी और कुछ भी ले सकते हैं। इसमें चावल और लहसुन प्याज साग सब वर्णित रहता है। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद धूप दीप चंदन फल तेल एवं पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन व्रत रखें, संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान देकर विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो जया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 50 जोनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऑल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें।